साहब कहाँ चले गए थे आप? मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, कभी कभी तो आंखों से भी निकले। खुशी के मारे सर। सर हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया साहब, खास करके ये अली वलगर ने, सॉरी अली असगर ने और स्वप्निल ने। ये लोग कह रहे थे अब हमारे डबल मीनिंग पंच पे कौन भड़केगा। सच्ची बात बोलता हूँ, बड़ा मुंह छोटी बात सर, नहीं बड़ा मुंह आपका छोटी बात मेरी। ये जो एकलव्य था ना सर, जब उसके गुरुजी नहीं थे तो उसने अपने गुरुजी की मूर्ति बनवा के उसके सामने परफॉर्म किया था। सर हमने भी आपकी मूर्ति बनवा ली थी साहब। अरे साहब हम इसी के सामने परफॉर्म किया करते थे, लेकिन डबल मीनिंग से तब भी डर लगता था कि कब ये छुरी उठेगी और ऐसा खचाक। साहब हम तो ऐसे आदमी है कि आपका पैर धो के पानी पिए साहब, लेकिन इन हराम जादू ने पैर ही नहीं बनवाए। अर्चना जी एक और बात सुन के आपको बहुत खुशी होगी कि आज मैंने ये स्टूडियो खोला है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। ये खोला है मतलब मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ खोला है। और आज इसकी इनॉग्रेशन करने बहुत महान कलाकार फुर्सत अली खान साहब आने वाले हैं। सच्चे धागे सच्चे प्यार से न खोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा ढोलना। तरबत तरबत साहब साहब बंदर भाग गया सब भाग। साहब आप बहुत महान कलाकार हैं साहब, पता। अरे साहब भड़क क्या को बोल रहे हो, महान बोला है, रहमान थोड़ी बोला है। पार ऑटो खड़े किराया दे दो जाके। आप ऑटो से आए हैं तो ये नैनो गाड़ी किसकी फंसा रखी है? नहीं नहीं ऐसा होता है कि आम तौर पे लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, ये पहले आदमी है जिसने ट्रैफिक को फंसा के रखा है। चाय वाय लोगे? हाँ। और उसके साथ कुछ खाने को? 5 किलो बर्फी मंगा लो, 5 किलो बर्फी मंगा लो, 10 किलो जलेबी मंगा लो, डाइट में इतना ही खाना। साहब, साहब, मैं पूछा है चाय के साथ कुछ लोगे के, आप तो बहुत कुछ के साथ चाय ले रहे हो। साहब आप इतनी दूर से आए हैं, यादगार के लिए एक फोटो हो जाए साहब। मैं जानता था हिंदुस्तान में मुझे पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिला है, क्योंकि है तो दोनों एक ही, जोरदार तालियां बजा दो। बिल्कुल ये लो कैमरा। हाँ जी हाँ फोटो लो। याद रखना मेरे को। अच्छा अपनी खिंचवानी? वेरी गुड साहब, आपकी ले लू अभी। मैं जानता था प्यार करते हैं मुझे बहुत ज्यादा। देखो मैंने एक फोटो खींची, मेरी 40 फोटो खींच दी इसने। एक फोटो में पूरा थोड़ी आओगे, हर पार्ट का फोटो लिया है। हमारे इधर बच्चे लोग बहुत पजल खेलेंगे ना। मैं यहाँ गजल के लिए आया हूँ, तुम पजल कर रहे हो मुझे। अरे साहब जाने से पहले गरीब आदमी को एक गाना तो सुना दो। आफरी आफरी। बिल्कुल साहब बिल्कुल सही कहा, सब फ्री में ही आए। आफरी 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 आफरी, जो भी देखे मुझे वो कहे हम नसी। आफरी 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 आफरी। बस बस 1.5 किलो दूध निकल गया सर। तुम जैसे बदतमीज लोग स्टूडियो खोल लेते हैं, संगीत की कोई नॉलेज नहीं, बेड़ा गर्क करते हो असली म्यूजिक डायरेक्टरों का, चले जाओ यहाँ से। साहब मैं नौकर हूँ इधर, असली मालिक तो अभी आने वाला है, उसको संभाल के दिखाना आप। मैं चलता हूँ साहब। बपीदाए हैं, नमस्कार। हिंदुस्तान में मुझे एक ही आदमी टक्कर दे सकता है, वो बपीदा वजन में। Hmm.
पाजी सॉरी पाजी, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम्हारे एक्ट में ये सुरिंदर को क्यों रिपीट करते हो? रोहित जी क्या सोचेंगे जब वो अपनी फिल्मों में अपने हीरोज को रिपीट करके वाहवा ले सकते हैं। तो मैं अपने सुरेंद्र को रिपीट करके थूथू नहीं ले सकता। बेटा तू रो क्यों रहा है? मैं रो नहीं रहा, मैं हंस रहा हूं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। पाजी पता है तभी कॉमेडी सर्कल छोड़ के मैंने अपना ही स्टूडियो खोल लिया है। स्टूडियो खोलने का कोई फायदा नहीं, काम भी होना चाहिए स्टूडियो में। काम है ना पाजी, आपको पता है मैं रोहित जी की फिल्म में म्यूजिक दे रहा हूँ। पर मैंने सुना था रोहित तो हिट फिल्में बनाता है। पाजी 5 लाख में साइन किया है, 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती, मुझे पता है कैसे जमा कर करके मैंने दिए। पाजी मेरी फिल्म में ना आप ही गाओगे, सारे गाने आप गाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार करते हैं आप लोग। पता है लिरिक्स किसने लिखे हैं? किसने? गुलजार साहब को जानते हो? हाँ हाँ। उन्होंने नहीं लिखे, मैंने लिखे हैं। मैं सुना दूं पाजी, मैं तुझसे प्यार करूंगा तबला बजा के, थबर 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 थबर। तुझे तबला नहीं पसंद तो सैक्सोफोन बजाऊंगा, लेकिन आके इशार करूंगा तबला बजा के, थबर 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 थबर। कैसा लगा पाजी? फिटे हूं तुम्हारे संगीत का। अरे ये क्या कर दिया तूने, ऐसे थोड़ी संगीत होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ इतने अच्छे शो में क्या हाल कर रहे हो। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। किन्ना सोना शो सोनी ने बनाया, किन्ना सोना शो। बस 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 पाजी, थोड़ी सी कोशिश की है मैंने। तूने बना? कोशिश की है पाजी। चैलेंज करने इनको बुलाया, चैलेंज करने कपिला इधर है, सुनील चैलेंज करने इनको बुलाया। पता है क्यों बुलाया? क्योंकि बाकी कोई फ्री में आ ही नहीं रहते। कपिल को बोला देंगे बिपाशा, हाथ में थमा दी रोती नताशा। पता है क्यों? क्योंकि बिपाशा को जॉन ने आने ही नहीं दिया। चैलेंज करने सुनील पालाया, तुमसे भी ज्यादा चैलेंज मैंने प्रिया में पाया। रतन नूरा बनके, रतन नूरा बनके सबको पकाया, दिल करे देखता रहूं सो सोना बनाया है। ओह किन्ना सोना शो तूने बनाया, दिल कर देखता रवा किन्ना सोना शो तूने बनाया।